ये जो ट्रीटमेंट एंड जो है उसके अंदर क्या होता है, मस्कुलो स्केलेटन रिलेटेड चीज, यानी कि जो हमारे शारीरिक मांसपेशियां और जॉइंट से रिलेटेड जो बीमारी होती है, जैसे कि पेन होता है, स्वेलिंग होता है, कट जाता है, चोट लग जाता है, स्पोर्ट्स इंजरीज होता है, कोई वेट उठा के कुछ हो जाता है, तो ये सारी बीमारियों का इन चीजों से रिलेटेड उसकी ट्रीटमेंट को मसाज और पोटली कषायम गिरी तैलम इन सब के द्वारा हम लोग उनका उपचार करते हैं। यही जोन है कलरी में। वो दो तरीके से मसाज होती है, एक होता है कलरी में हाथ मसाज जिसको हम बोलते हैं कई उलझन, एक होती है मसाज हम भैंस से करते हैं जिसको हम बोलते हैं चौटी उलझन। सर तो जो मस्कुलोस्केलेटन रिलेटेड पेन रिलेटेड चीजें ही कलरीपाइट पे ट्रीटमेंट होता है, नथिंग एल्स। जो हम एक्सरसाइज ये मतलब अगर इसको एज एन एक्सरसाइज देखें तो इसका भी यही बेनिफिट्स है ना मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में जो डेफिनेटली देखो कलरी में ये ट्रीटमेंट आया कहां से, कलरी में ये चिकित्सा पद्धति हुआ कहां से, कलरी में ये चिकित्सा पद्धति हुआ क्योंकि जब ये कलरी पाइप पे उस समय की जो श्रेयांशी डॉन शेक्योर कैमरा, श्रेयांशी डॉन शेक्योर कैमरा, जो कलरी में उस समय पे जो बच्चे विद्या प्राप्त करने के लिए जो गुरु के पास आते थे, उनको चोट लगती थी, उनको प्रॉब्लम्स होता था, तब ना तो एम्स था, ना कोई हॉस्पिटल था, कुछ नहीं था, तो उनको गुरुओं को ही ठीक करना पड़ा। तो गुरुओं ने जो आयुर्वेदिक पद्धति होती है जो उनको चाहिए था, तो अगेन यहां पे देखना है आपको, जो कलरीपयट गुरुकुल होता है वो वेद नहीं है, जो कलरीपयट गुरुकुल होता है वो डॉक्टर नहीं है, वे हकीम ये जो लोग होते हैं इनके पास तो आपको सारी बीमारियों का इलाज मिलेगा, है ना, वेद के पास सारे, यू नो यू कैन गो फॉर एनी काइंड ऑफ डिसीज दे हैव द थिंग्स, बट यू विल नॉट गो फॉर कलरीपयट टू गुरुकुल इफ यू हैविंग अ डिसेंट्री स्टमक अपसेट।